हाथरस में हंगामा हो रहा है, वजह है शासन प्रशासन का रवैया। कभी डीएम कहते हैं कि मीडिया को इस वजह से अनुमति नहीं है क्योंकि कुछ पुलिस कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई थी, फिर बयान दिया जाता है कि एसआईटी जांच चल रही है, इस वजह से परमिशन नहीं है। खैर, धमकाने की परमिशन है। हाथरस के कथित गैंगरेप के बाद से हर वर्ग नाराज है, ढेरों सवाल हैं, सवाल जनप्रतिनिधियों से भी हो रहे हैं, सवाल पुलिस अधिकारियों से भी हो रहे हैं। मुंबई से एक शख्स ने हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर दिलेर को कॉल की थी। सांसद जी मुआवजा गिनाते रहे, बातचीत सुनिए। हाँ जी, कौन? राजवीर दिलेर जी बोल रहा हूँ। सर जी, मैं गीता नगर वाल्मीकि समाज से बोल रहा हूँ, मुंबई से। सर, ये समाज की बेटी पे ऐसा अत्याचार हो रहा है वहाँ पे, सर आप क्या कर रहे हो? सर कुछ एक्शन वगैरह लिया है? भैया मैंने कल फैसला हो गया था, तुम हट गई। ऐसा जो पुलिस वालों ने उन्हें रातों रात जला दिया, अपनी बेटी का मुंह नहीं देख रहा। टीवी देखते हो? नहीं देखते हो? देख रहा हूँ सर जी, देख रहा हूँ। न्यूज वाले वही अभी कर रहे हैं। हाँ जी, टीवी में दिखा रहे हैं। हाँ जी, कल लड़की के बाप से बात हो गई, फैसला हो गया कल। मतलब अभी तक तो न्यूज में सर वही बता रहे हैं कि उनको देखने नहीं दिया, वो हल्दी कुमकुम तक नहीं लगाने दिया और पेट्रोल डाल के जला दिया। न्यूज वही बता रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो, भैया मेरी बात। हाँ जी, अभी तुम अपनी जगह सही कह रहे हो। दो रात हो गए मैंने उस लड़की को 25 लाख रुपए दे दिए। सर पैसे की, ये तो कल को ऐसा है ना कि और भी कोई 25 लाख रुपए देगा, बोलेगा तुम्हारी बेटी का रेप करके नहीं जला देते हैं। ये तो बात तो वो आ रही है ना सर, ये तो कल को तो कोई और भी देगा 25 लाख 50 लाख रुपए देके हमारी बहन बेटी पे रेप करके। जो सबसे बड़ी बात होती है, उन चार गुनहगारों से बड़े तो आज की तारीख में पुलिस वाले गुनहगार हैं, जो कि इन्होंने ऐसा काम किया है। इन्होंने ये काम करो, मीडिया में उठाओ। सर हम उठा रहे हैं, मैं कुलाबा से बोल रहा हूं। उठाओ ना, कुलाबा मुंबई से बोल रहा हूं मैं। कुलाबा मुंबई से कुलाबा से बोल रहे हो, विलास से बोल रहे हो? हाँ, उस पीड़ित परिवार को कल फैसला हो गया, वैसे बाप से भाई से सबसे बैठ कर यहाँ उसको कल पैसे की धनराशि दे दी, एक मकान दे दिया, एक नौकरी दी है। लड़की को वापस थोड़ी लेके आ सकते हैं, वो चारों पीढ़ी में चारों वर्षों के सब अंदर जेल में। ये जो वो तो अंदर है, उन्होंने तो गुनाह किया है। अभी ये पुलिस वालों ने ये किया, ये तो हमको दलितों के ऊपर एक अत्याचार हो गया। पुलिस वालों की कार्रवाई तुम करवाओ। हाँ तो हम तो कर ही रहे सर।